जालंधर में आज आधार कार्ड अपडेशन सेंटर मुख्य डाकघर में खोला गया, जहां एक ही छत के नीचे लोगों को काम सस्ते दामों पर और आसानी से करने की व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा की गई। इस अपडेशन सेंटर का उद्घाटन जालंधर के डीसी वरिंदर शर्मा ने किया। केंद्र सरकार द्वारा बनाई जा रही स्कीम के कार्यक्रम में एजेंट्स के घुस जाने के कारण आम लोगों को परेशानी होती थी, लेकिन अब सरकार की कोशिश है कि एजेंट्स से लोगों को बचाया जाए और उनका काम आसानी से हो। आज इसी क्रम में जालंधर में आधार कार्ड अपडेशन सेंटर खोला गया, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र में गलतियां ठीक करवाने, आधार कार्ड को ठीक करवाने और भी कई काम सीधे मदद देकर होंगे। ब्यूरो फिर अचानक न्यूज जालंधर। बड़ा अच्छा लग रहा है, एक छत के नीचे सारे काम हो जाएंगे आराम से। लाइनों में लगना पड़ेगा, एजेंटों से बचना पड़ेगा, बाहर जो लोग ज़्यादा पैसे देते हैं उससे बचाव होगा, कम पैसों में बढ़िया काम हो जाएगा। तो आज कैसे का लग रहा है, आप आए हो तो कितनी जल्दी आपका काम हुआ? आज बस 5-7 मिनट लगे ना आपके सामने। केंद्र सरकार की ये कोशिश है कि जड़ियाँ भी स्कीम्स है गरीबों लिए या होर नागरिकों के लिए हैं वो बिल्कुल सही बंदे तक पहुँचे। उस आधार कार्ड की जी UID स्कीम हैगी चलाई गई है, उस दे लई साडे वख-वख सेवा केंद्र जिहड़े हन उन्हां 'च पहले ही आधार कार्ड बढ़ रहे सी, बट उहदी अपडेशन 'च लोगों नूं दिक्कत आ रही सी। मैनूं बड़ी खुशी है इह गल सांझी करन 'च कि केंद्र सरकार दे निर्देशां तहत जिहड़ा पोस्टल डिपार्टमेंट है, जिहड़ा जनरल पोस्ट ऑफिस है, साडा मुख दफ्तर हैगा, उहदे विच जिहड़े सीनियर सुपरिटेंडेंट पोस्ट ने उन्हां दे एफर्ट्स दे नाल एक नवां आधार अपडेशन सेंटर खोलिया गया। जिन्ने भी नागरिक हन, अगर किसी ने अपना आधार कार्ड लिंक कराना, किसी दा कोई डेट ऑफ बर्थ से यदि कोई गलती रह गई हैगी है, कोई होर अगर एड्रेस वगैरह कुछ चेंजेस कराने हैं तो आके इतने बड़े थोड़े समय जरा अपडेट करा सकते। मोहम्मद हनीफ, सीनियर सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस जालंधर। मैं श्रीमान DC साहब का और ADC साहब का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने व्यस्तम समय से निकाल करके यहाँ पर इस आधार अपडेशन सेंटर का इनोग्रेशन किया है, जनता को समर्पित किया है। मैं आशा करता हूँ कि इससे जनता को फ़ायदा होगा और टोटल जालंधर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 50 अपडेशन सेंटर और हम अगले एक माह के अंदर शुरू करने जा रहे हैं। और बाकी जनता से अपील है कि इस सेवा का वो बराबर लाभ उठाएं और हम जनउपयोगी सेवाओं में हमेशा भारत सरकार की जो जनउपयोगी स्कीम्स हैं उनको लागू करने में भारतीय डाक विभाग हमेशा तत्पर है।